A pastor responds to a calling and has deep sense of purpose. Dear fan hearts of Agape Sisters, we welcome you all to another episode of Talk with Agape Sisters Season 2. In today's episode, we are going to celebrate a motivational and blessed family from the better half of the border. We have with us a pastor who is dedicated to save people from bondage, discouragement and sin by the love of God. His wife cultivating her best and incorporating within her children by the love of God. Let's welcome Pastor Philip K. Matthew, Sister Shiny Philip, Johanna K. Philip and Royce K. Philip. Praise the Lord, आप सबको जय मसीह की। आगे पे सिस्टर्स की तरफ से जो हमें इनवाइट किया गया है, हम आपको हृदय से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं हूँ पास्टर फिलिप के मैथ्यू। मैं शाइनी फिलिप हूँ और मैं स्पेशली आगापे सिस्टर का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उसने हमें आज इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आय से आशीष दे। और सच में इंडिया में आगापे सिस्टर की जो वर्शिप सॉन्ग्स है, उनकी सेवकाई है, उसके द्वारा बहुत सारे हमारे भारत के मसीही लोग, क्रिश्चियंस लोग बहुत आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। इवन मैं भी उनके वर्शिप के माध्यम से बहुत सारी आशीषों को मैंने भी पाया है। बहुत काफ़ी साल से उनके गानों को, उनके वर्शिपों को हम लगातार हम सुनते हैं और सच में परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। और हम बहुत उनसे प्यार करते हैं और बहुत ही उनके लिए हम बेहद रूप से हम परमेश्वर से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। थैंक यू सो मच सिस्टर शाइनी एंड पास्टर फिलिप के मैथ्यू फॉर जॉइनिंग अस, फॉर ऑल द अप्रिसिएशन, फॉर ऑल द एनकरेजमेंट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट ऑन विद द क्वेश्चंस। सो पास्टर फिलिप, आई वुड लाइक कि आप सबसे पहले अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम पास्टर फिलिप के मैथ्यू, मेरा पत्नी शाइनी फिलिप, हमारे दो बच्चे हैं, रॉयस के फिलिप, योहन्नान के फिलिप। मेरा बड़े बेटा योहन्नान के फिलिप 12th में पढ़ रहा है, 17 उम्र है, और छोटे बेटा हमारे रॉयस के फिलिप, वो 11th में पढ़ रहा है। प्रभु का दया से दोनों बच्चे हमारे साथ सेवगाई में सहयोग देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सेवगाई के नाम है रिवाइव इंडिया। हम भारत में सेवा करते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर भारत में और पूरे देश में और देश के बाहर भी मीडिया के द्वारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है और हजारों लोगों के बीच में परमेश्वर की सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें पारिवारिक तौर से हमें इस्तेमाल करता है। All glory to God. आप मिनिस्ट्री में हैं, क्या ये मिनिस्ट्री आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई है या आप अपनी फैमिली में फर्स्ट पास्टर? मेरा पिताजी एक किसान था, लेकिन वो परमेश्वर की भक्त व्यक्ति था, लेकिन वो प्रभु का सेवा पूरा रीति से नहीं करते थे। लेकिन मेरा बचपन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर की सेवगाई का महत्व को बताया करता था। और जैसे मैं बड़ा हो गया तो परमेश्वर की सेवगाई के प्रति बोझ मेरा जीवन में आया और परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण सेवगाई के लिए, पूरा समय के सेवगाई के लिए मुझे बुलाया और मैं अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया और मैं सेवगाई के लिए निकला। मेरा परिवार में मैं सेवगाई के लिए निकला है और मेरा दो भाई भी हमारे साथ, हम तीन लोग पूरा सेवगाई के लिए निकला और हमारे परिवार में हम लोग है जो सेवगाई के लिए निकले थे। और मैं यदि मैं अपने बारे में कहूँ, मेरे पापा मम्मी मतलब पास्टर हैं और प्रभु की सेवकाई छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवकाई करते थे। तो मैं बचपन से एक पास्टर की बेटी के रूप में पली बड़ी हूँ और बहुत सारे मिनिस्ट्री पापा के द्वारा मैंने देखा है। और मेरा एक भाई है और मैं एक बहन हूँ और हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवकाई में हम लगे हैं और शादी के बाद भी फुल टाइम हम परमेश्वर की सेवकाई को हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो सिस्टर जी, आप भी अपने हस्बैंड के साथ खिदमत करती हैं, तो एक खादिम की वाइफ होते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
यदि मैं देखूं बचपन में जब मेरे पापा मम्मी मिनिस्ट्री करते थे, परमेश्वर की सेवकाई को करते थे, मैंने उनके लाइफ से बहुत तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं देखा है। जब वे चर्च प्लांटिंग के रूप में एक पास्टर जब रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आती है, लेकिन बचपन से जब उन्होंने हमें बढ़ाया सेवकाई में, कैसे ओवरकम करके जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुसीबतों को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, उन्होंने, मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया। और उन्होंने मुझे क्या किया, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी उस समय से मैं संडे स्कूल की टीचर, मेरे पापा ने मुझे रख लिया। तो 10th क्लास से मैं संडे स्कूल की टीचर के रूप में मेरे पापा ने मुझे रखा, और परमेश्वर की डर और भय से एक स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर ने मुझे आगे की ओर बढ़ाया। और जब मैं 12th मैंने कर लिया तो मैं बाइबल कॉलेज में जाकर परमेश्वर का वचन को मैंने पढ़ा, और आज मैं मिनिस्ट्री में हूँ। ढेर सारी, हम जब सेवकाई में रहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब मिनिस्ट्री में रहते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, समस्याएं आते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक समस्याओं को ओवरकम करने के लिए वो मुझे, मेरे परिवार को वो मुझे मदद करता है। और आज भी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरे साथ में है, ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि जब हम खिदमत में होते हैं तो हमें स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा उन स्ट्रगल्स में भी हमेशा हमारे साथ रहता है। सिस्टर जी, घर को किस तौर से मैनेज करती हैं? मैं कहूँ, मैं, मेरी शादी 2001 में हुआ था, और आज तक परमेश्वर ने, मतलब मैं 23 इयर्स में जस्ट प्रवेश किया तो मेरी शादी हो गई थी। आज परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए हैं, एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, और फुल टाइम मिनिस्ट्री भी करती हूँ, सारा घर का काम भी करती हूँ। यदि आप देखेंगे लाइफ में और परिवार में बहुत सारे काम हैं, मिनिस्ट्री भी बहुत है, लेकिन एक डिसिप्लिन मैंने मेरे परिवार में, मेरे पहले से मैंने बना के रखा है, और प्रभु मेरी हमेशा मदद करता है वो सारे स्ट्रगल्स और सारे परेशानियों को ओवरकम करने के लिए, और मुझे मदद करता है कि बच्चों के जीवनों में भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, उनके पढ़ाई में मदद करने के लिए, उनके सारी बातों में हेल्प करने के लिए। एक अच्छा पति को भी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे हमेशा वो प्यार करते हैं, मेरी हमेशा चिंता करते हैं, जो हमेशा मेरे साथ हमेशा रहता है और मेरी मदद करता है, और जिस वजह से मुझे कुछ परेशानी नहीं होती है। प्रभु की सेवकाई करने मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ में रहता है, मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, तो मुझे सभी का सपोर्ट मुझे मिलता है, जिस कारण से मैं आगे बढ़ पाती हूँ। कलीसिया में लोग जब अपने मसाइल शेयर करते हैं तो क्या पास्टर जी आप वाइफ से मशवरा करते हैं सॉल्यूशन के लिए? या जब कलीसिया में, या हम कलीसिया के बाहर भी काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए। कुछ लोग पारिवारिक समस्या के सब जब आते हैं उनको हमें स्पिरिचुअली हमें काउंसलिंग देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत रीति से हमसे मदद मांगते हैं, या स्पिरिचुअली एडवाइस है, काउंसलिंग मांगते हैं, तो हम देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि परिवार के साथ हमें काउंसलिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि मसीह परिवार, जब भी कोई भी मसीह परिवार जब समस्या के साथ आते हैं तो हम परिवार मिलकर, हम दोनों में, पति पत्नी दोनों मिलकर, हम परमेश्वर के वचन से उनको समझा देते हैं। और ख़ास करके जब कुछ स्त्री लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो डायरेक्ट मेरे पत्नी के पास ओपनली शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे साथ ओपनली शेयर नहीं कर पाते लोग, वो लोग डायरेक्टली उनको पास जाके काउंसलिंग मांगते हैं। लेकिन परिवार दोनों मिलकर आते हैं तो हम दोनों मिलकर उनको मदद कर, परमेश्वर के वचन से हम उनको सिखाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, लेकिन हम दोनों ओपन हैं। हमारे इधर की लोग हमें कभी भी कुछ भी बातें पूछने के लिए या ओपनली बातें करने के लिए, हम भी उनके लिए दिल खोल के, हमारा एटीट्यूड ऐसे बना है कि ताकि लोग हमें ओपनली आके शेयर करते हैं। लेकिन
हम ये बात ध्यान रखते हैं कि हम पति पत्नी मिलकर उनको काउंसलिंग में या उनको टीचिंग में हम उनके साथ देते हैं। पास्टर फिलिप पाकिस्तान में खादिम कलीसिया में विजिट करते हैं, क्या इंडिया में भी खादिम ऐसे करते हैं? इंडिया में भी परिवार में जाके विजिट करना पड़ते हैं, विश्वासियों के घर में और विश्वासियों के पास विजिटिंग बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी वो लोग भी एक पासवान एक घर में विजिट करते हैं तो उस परिवार को बहुत अच्छा लगता है, और जब विजिटिंग नहीं करते तो वो परिवार थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और यहाँ भी लोगों को वो लगता है कि एक पासवान या हमारा कलीसिया के पासवान जब घर में आते हैं, कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार जब घर में आते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। और कलीसिया में परिवार अपनी समस्या ओपनली बताते नहीं, लेकिन पासवान जब घर में आते विजिट करते हैं तो घर की सारे बातें पास्टर से ओपनली शेयर करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, या घर की समस्या और घर में कोई भी इश्यूज़ है तो पासवान से डायरेक्टली बताते हैं। इसलिए घर में विजिट करना यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं यहाँ के लोग भारत में। बच्चों में से कौन ज़्यादा नॉटी है? मेरा दोनों बच्चे ज़्यादा नोटी नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन में हमने पला बढ़ा, क्योंकि जब वो लोग जन्म से हम सेवगाई में था और प्रभु का दया से हम दोनों को एक डिसिप्लिन मिनिस्ट्री लाइफस्टाइल हमें हमारे अगुवाई लोगों के द्वारा दिया गया है, इसी कारण बचपन से उनको इसी डिसिप्लिन में हमने आगे बढ़ाया। लेकिन जो छोटा जो बेटा है वो थोड़ा सा वो एक्टिव है, एक्टिव मतलब वो नोटीनेस बचपन में था लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। बड़ा बेटा थोड़ा साइलेंट था लेकिन वो थोड़ा पढ़ाई में और उनको रिसर्च करने में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन अभी बड़े हो गया है और बिल्कुल बचपन में थोड़ा सा नोटी वगैरह करते थे, लेकिन अभी 15 ईयर से जब क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी में आ गया, अभी थोड़ा अच्छे हमें भी अच्छा लगता है कि जब बच्चे बड़े होते समय उनकी कैरेक्टर में बहुत अच्छा चेंजेस आते हैं, हमारे साथ सेवगाई में जब हमारे साथ देते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ये प्रभु का दया है। बच्चे भी आपके साथ खिदमत में हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत सच बोलूं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक पेरेंट्स को सबसे बड़ी खुशी ये है कि बच्चे हमारी मिनिस्ट्री में वो सपोर्ट करते हैं। यदि हमारे आप सब जानते होंगे कि हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, हर संडे को हमारा चर्च होता है, काफ़ी लोग हमारे चर्च में शामिल होते हैं, ऑनलाइन मिनिस्ट्री हम जो करते हैं। एक बेटा म्यूज़िक में जो कीबोर्ड में मुझे वर्शिप में मेरी मदद करता है, जो सबसे बड़ा वाला मेरा बेटा हमारे ऑनलाइन में जो हमारे करने के लिए वो सारी बातों में हमें मदद करता है। तो मिनिस्ट्री में फुल 100% ये बहुत मतलब कभी मना नहीं करते हैं, दोनों इतना मतलब परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हेल्प करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सच में वो आगे आते हैं। वो जब देखते हैं तो हम पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, और हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले जनरेशन में जो इनके लाइफ में परमेश्वर मिनिस्ट्री को और इनके अंदर में बोझ परमेश्वर दे और सेवकाई इनके द्वारा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, और इनका जो जनरेशन इनके जीवन के बातों को देखकर और लोग बहुत सारे बरकत और आशीष पाए करके हम यही चाहते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबके लिए मैसेज है कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट पेरेंट्स इन देयर मिनिस्ट्री। और देखें जैसे सिस्टर शाइनी और ने कहा कि उनको बहुत खुशी होती है कि उनके बच्चे फुल टाइम उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री में। जब आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो बिलीव मी आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। योहन्ना और रॉय से पूछेंगे कि स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? मेरे को स्टडीज से ज़्यादा एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिलेबस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लाइक ज़्यादा टाइम में स्कूल सिलेबस में, हाँ मैं स्कूल सिलेबस में भले ही मेरे को इंटरेस्ट है
लेकिन स्कूल सिलेबस से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे लाइक आउट ऑफ सिलेबस में रिसर्चिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज मैं देखे तो मैं राइस मैं स्टडी में ओके हूँ, मतलब मैं ज़्यादा इतना टॉप टॉप का वो रहता नहीं है मुझे, तो मैं जस्ट स्टडी में मेरा भाई ज़्यादा अच्छा मुझसे करता है, वही मुझे सिखाता है, मतलब उसके वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। सो व्यूअर्स देखिए कितनी खुशी की बात है कि जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को अप्रिशिएट कर रहा है कि ये मेरी हेल्प करते हैं, ये स्टडीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हेल्प ईच अदर इन स्टडीज। बच्चों में से खिदमत में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? हमारे बच्चे लोग बराबर है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरे हमारा मीडिया मिनिस्ट्री है, मीडिया मिनिस्ट्री में मेरा बड़ा बेटा मीडिया मिनिस्ट्री में टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट है, इसलिए कैमरा और बैकएंड में और हमारे जो रिकॉर्डिंग में और सारे बातों में मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा हमें उस एरिया में मदद करता है, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली थोड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन हमारे मिनिस्ट्री में म्यूजिक और साउंड और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा छोटा बेटा है, हमारा छोटा बेटा है, तो वो म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो मम्मी जब आराधना करते हैं तो उनके साथ में कीबोर्ड बजाते हैं और साउंड का और बैकग्राउंड म्यूजिक और सारे बातों में वो ज़्यादा उस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा वो मदद करता है। इसलिए मिनिस्ट्री में दोनों इक्वली इन्वॉल्व्ड है, लेकिन दोनों का फील्ड थोड़ा अलग है, लेकिन हमारा मिनिस्ट्री में दोनों बहुत ज़रूरत है, टेक्निकल सपोर्ट भी ज़रूरत है और म्यूजिक और साउंड का भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए दोनों को हमने दो फील्ड में ज़्यादा हमने अपॉर्चुनिटी दिया है उनको, उस एरिया में ज़्यादा सीखने के लिए उनको हमने सहायता किया, इसलिए वो मिनिस्ट्री में इन दो फील्ड में ज़्यादा हमें मदद करता है, इसलिए दोनों इक्वल है। अगर दोनों एक ही फील्ड में अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता शायद हम बोल सकता था कि वो ऊपर नीचे है, लेकिन दोनों दो फील्ड में हमें मदद करने के वजह से हमें लगता है कि दोनों फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों मिनिस्ट्री में बहुत आगे हमारे साथ देता है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। सो व्यूअर्स दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू के चाहे आपकी फील्ड डिफरेंट हो, चाहे जिस जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, जब आप मेहनत से उस फील्ड में काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, जब आप उनको सपोर्ट करते हैं तब भी वो बहुत खुश होते हैं। जैसे आपने अभी सुना कि एक जो बेटा है वो म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो जो मिनिस्ट्री में म्यूज़िक की फील्ड में बहुत हेल्प कर रहे हैं, साउंड में बहुत हेल्प कर रहे हैं, और जो दूसरा भाई है वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट पेरेंट्स इन देयर मिनिस्ट्री। सो पास्टर फिलिप मैं आपसे चाहूँगी कि आप एंड में हमारे व्यूअर्स के साथ कोई भी मैसेज शेयर करें। प्रभु की नाम की स्तुति हो। मैं सब व्यूअर्स से ये बताना चाहते हैं कि हम इस ये जो 2021 हम देख सकता है कि पिछले साल हमें हमारा जीवन में बहुत सारे समस्याओं के साथ हमने सामना करना पड़ा है, लेकिन 2021 परमेश्वर ने हमें दिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम प्रभु के लिए बहुत समय देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन से बहुत कुछ चाहता है। ये संसार में बदलाव चाहिए, संसार में रिवाइवल चाहिए, संसार में बहुत सारे बातें जो प्रभु की जो मन में जो बातें हैं वो संसार में पूरा करना परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें इस संसार में लोगों को ढूंढ रहा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मती रेस समझार है, उसमें वचन है कि सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचसनेस ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले तुम ढूंढो ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता, बाकी सारे चीज़ें तुम्हें दिया जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारे टैलेंट हैं, हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं,
लेकिन हमारे मन के अंदर एक ऐसा फीलिंग्स है कि जब प्रभु हमें प्रोवाइड करेगा, सारे फैसिलिटी जब हमें प्रोवाइड करेगा, तब हम सेवकाई के लिए हम निकलेंगे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम सेवकाई के लिए निकला, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम ज़ीरो थे। लेकिन हमारा मन के अंदर एक पैशन था कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं था, या ओपन डोर्स नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था, प्रोविजंस नहीं था, प्रिविलेजेस नहीं था, फाइनेंस नहीं था। लेकिन ये जो वचन हमें परिवार में बहुत इनक्रेज किया कि पहले तुम ढूंढो ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता, बाकी सारे चीज़ें तुम्हें दिया जाएगा। जो हमारा मन में ड्रीम है परमेश्वर की, जो जो राज्य की खोज जब करते हैं, हमारे मकसद ये है कि पूरे संसार में परमेश्वर का राज्य के बारे में बताना और उसकी धार्मिकता के बारे में हमें शेयर करना है, और पूरे संसार में लोग परमेश्वर को जानना है। ये हमारा मन के अंदर इंटेंशन है। तो जो कुछ हम करते हैं हम उसमें सफल प्राप्त करेंगे। जब हम दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, दाऊद एक छोटा बालक था, लेकिन जो पांच पत्थर उसने हाथ में ले लिया जरूर, लेकिन पहला पत्थर में उसका जो जो इंटेंशन से जो फर्स्ट पत्थर उनका सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसका मतलब यही है कि वो सामने गोलियात के सामने एक ही बोला कि समस्त जन, इसराइल की समस्त जन ये जान सकेंगे कि मेरा यहोवा जीवित है। इसका इंटेंशन नहीं था कि दाऊद के मन के अंदर एक ही इंटेंशन था कि समस्त जन, सबकी सब लोग ये जानेंगे कि हमारा यहोवा जीवित है। तो हमारा मन के अंदर एक इंटेंशन है, एक इच्छा है कि पूरा राज्य के लोग, पूरा देश के लोग, पूरा संसार के लोग हमारा परमेश्वर को जानेंगे। मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, ये मेरा हमारा मन के अंदर इंटेंशन है। तो जो कुछ हम करेंगे, चाहे हमारे पास पांच पत्र होंगे, हम क्या बोलते हैं कि बैक सपोर्ट के लिए या बैकअप के लिए बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास होंगे ज़रूर, लेकिन हमारा इंटेंशन, फर्स्ट इंटेंशन ही, हमारा फर्स्ट स्टेप ही सफल प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा मन के अंदर एक ही इंटेंशन होना चाहिए, एक ही पर्पस होना चाहिए कि समस्त जन ये जानेंगे मेरा यहोवा जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। इसलिए जैसे मैंने पहले वचन में बोला कि पहले तुम ढूंढो ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता, और बाकी सारे चीज़ें दिया जाएगा। यदि हमें सुनने वाले, अगर आपको लगता है कि हम आपको सेवा करना है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, मैं कहना चाहता हूँ हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो, और मन के अंदर एक ही इंटेंशन रहना है कि हमारा स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएंगे, धार्मिकता के बारे में बताएंगे, मेरा यीशु जीवित है, ये सब के बारे में सबको मैं बताऊंगा। ये इंटेंशन हमारे साथ में रखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी खाली हाथ होंगे, आपके घर में कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय प्रोविजंस आपको देंगे, और जो आपकी मुंह से जो बातें निकलेंगे वो उससे चमत्कार होंगे, उसमें चंगाई होंगे, और छोटे छोटे बातों में जो कुछ आप करेंगे उसमें चमत्कार आप देखेंगे। उसके साथ साथ परमेश्वर आपको प्रोविजंस भी देंगे। हमारे सेवकाई में जैसे आपको मालूम है कि हज़ारों लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे प्रचार को सुन रहा है, लेकिन हमें एक छोटे से वेब कैमरा से शुरू किया था, छोटे से चीज़ था, हमारे पास और कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारा मन में एक ही था कि जो कुछ हमारे हाथ में उससे शुरू करेंगे। हम बड़े बड़े चीज़ों के इंतज़ार नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उससे हम शुरू करेंगे। लेकिन एक ही लक्ष्य है कि स्वर्ग के राज्य, यीशु का महिमा, परमेश्वर के बारे में समस्त जन ये जान सकेंगे कि हमारे परमेश्वर जीवित है। उससे हमने शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर हमें जो कुछ हमें ज़रूरत था परमेश्वर सब कुछ हमें दिया। हमें सुनने वाले, आपको लगता है कि सेवा आपको करना है, परमेश्वर के लिए करना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं है, मैं आपको ही आपके साथ बोलना चाहता हूँ, आप अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। परमेश्वर आपको स्वर्गीय प्रोविजंस आपको देने जा रहे, आपको इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो स्टेप आप रखेंगे उस स्टेप में आप 100% सफलता
प्राप्त करेंगे ये वचन से। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जैसे कि पास्टर फिलिप ने कहा कि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट उनके अंदर एक पैशन था टू गिव ग्लोरी टू गॉड। एंड वट एवर वी डू टू गिव ग्लोरी टू गॉड, खुदा उसमें हमें बरकत देता है, उसमें हमें कामयाब करता है, उसमें हमें आगे बढ़ाता है। सो सिस्टर शाइनी, एनीथिंग, जो भी आप हमारे व्यूअर्स के साथ कोई मैसेज देना चाहते हैं, उनको कुछ शेयर करना चाहती हैं, आप ज़रूर शेयर करें। जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं दो शब्द मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। रूत उसके 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। आज हम अगापे सिस्टर के इस कार्यक्रम में, पास्टर का स्पेशल इस प्रोग्राम है, कार्यक्रम है पास्टर के साथ में, हम कई प्रोग्राम को हमने देखा, एपिसोड को देखा कि एक पास्टर की उसके जीवन की मिनिस्ट्री के बारे में हम एक शेयरिंग जो कार्यक्रम हमने देखा। तो पास्टर की सेवकाई में यदि हम सक्सेसफुल चाहते हैं, आत्माओं को कलीसिया में ज़्यादा बढ़ोतरी चाहते हैं, मिनिस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, तो पास्टर्स की पत्नी को पास्टर के साथ में, मिनिस्ट्री के साथ में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं कहूँ, क्योंकि अकेला एक पास्टर अपनी मिनिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मिनिस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए, हर एक रीति से सपोर्ट करने के लिए एक वाइफ का होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट का ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, वचन कहता है सब लोग जानेंगे तो भली स्त्री है। यदि हमारी मिनिस्ट्री में ग्रोथ होगा, लोगों के जीवनों में आशीष आएगी, लोगों के जीवनों में छुटकारा आएगा, लोग आशीषित होंगे, तो हमारे पड़ोस के लोग, हमारे देश के लोग, हम जो जिसे जानते नहीं हैं, जो हमारे करीब में आते हैं, वे हमें देखकर कहेंगे ये पास्टर की पत्नी भली स्त्री है, क्योंकि वो पास्टर को मिनिस्ट्री में सपोर्ट कर रही है। मैं जितने भी मेरे इस कार्यक्रम में देखने वाले मेरे प्रिय प्रभु के दास दासियों, स्पेशली मैं पास्टर की पत्नियों को मैं इनक्रेज करना चाहती हूँ कि जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, सेवकाई में हमें बहुत सारी तकलीफ से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन आपका एक छोटा सा सपोर्ट उनकी मिनिस्ट्री को ग्रोथ में देगा, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। जितने नाश होने वाली जो आत्माएं हैं वे नरक में नहीं जाएंगे। जो परिवार आज अशांति की माहौल में है, जो परिवार आज टूटी हुई हालातों में है, जो यीशु को नहीं जानते हैं, आपका एक छोटा सा सपोर्ट यदि आप अपने हस्बैंड को देंगे, पास्टर को यदि आप करेंगे, दोनों मिलकर सेवकाई में यदि सपोर्ट करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ बहुतों को, बहुतों के लिए आप और आपका मिनिस्ट्री, आपका पास्टर, आपका हस्बैंड, दोनों एक आशीष का कारण ठहरेगा। सिस्टर, आप एक ब्लेसिंग का कारण है। आप सोचते होंगे शायद मेरे पास में बोलने के लिए योग्यता नहीं है, मैं अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ, शायद आप सोचते होंगे मेरे पास में इतना टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपका इनक्रेजमेंट काफ़ी है। शायद आप मिनिस्ट्री में, आप बाइबल कॉलेज पढ़ा नहीं होगा, शायद एजुकेशन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप किसी भी रीति से, चाहे कोई भी रीति से आपके हस्बैंड को यदि आप हेल्प करेंगे, मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका जहाँ पर आप है, जहाँ पर आप सेवकाई कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री ग्रोथ हो जाएगी और लोग कहेंगे ये भली स्त्री है, ये भली स्त्री है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर ने इसके परिवार को ब्लस किया है। तो प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर शाइनी फॉर द इनकरेजमेंट, जितने जो आपने इनकरेज किया पास्टर की वाइफ्स को, और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो खिदमत में हैं, तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि उनको किसी ना किसी तरह से आप उनको सपोर्ट करें। और जब आप अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करेंगे उनकी मिनिस्ट्री में, उनको सपोर्ट करेंगे, तो मैं ईमान के साथ ये बात कह सकती हूँ कि
ना सिर्फ वो इनकरेज होंगे बल्कि उससे आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में बहुत बरकत आएगी, आपकी मिनिस्ट्री में बहुत बरकत आएगी, और आपको देख के दूसरी वाइव्स भी, दूसरी जो हैं विमेन, दे विल आल्सो गेट इनकरेज कि उनको, उनके अंदर भी ये एक जज्बा आएगा दैट वी, हमने भी अपने हस्बैंड्स को मिनिस्ट्री में सपोर्ट करना. सो थैंक यू सो मच सिस्टर शाइनी फॉर ऑल द इनकरेजमेंट. और यहाँ मेरे दिल में एक बात है कि फॉर द लास्ट 4 years सिस्टर शाइनी हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही है, बहुत इनकरेज कर रही हैं. और जब हमारा पहला इंग्लिश सॉन्ग आया था हेयर आई एम टू वर्शिप, वो उन्होंने अपने पेज से शेयर किया था और उसके मिलियंस में व्यूज़ गए थे और उस गीत की वजह से लोगों ने बहुत बरकत पाई थी. सो थैंक यू सो मच सिस्टर शाइनी फॉर ऑल द इनकरेजमेंट. So thank you so much Pastor Philip, Sister Shiny, Johanna and Royce for joining us. And mera imaan hai ke viewers aap sabne bhi bahut aaj barkat payi hogi. So do subscribe our YouTube channel which is Agape Sisters and follow us on our social media platforms. The link will be in the description. Peace and regards. Bye bye.